अम्मा बाद फाऊजु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या फरमाने निशान है कि वकील है वो शख्स, वकील समझते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और उन पर दुरूद व सलाम ना भेजे, अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखे किस किस ने पढ़ा है किस किस ने नहीं पढ़ा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله خطائے लिखते हैं और हर रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारा नाम अमाल टूटता है, वो कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना गफूर रहीम है कि अगले दिन हमारा रिज्क फिर भेज देता है। वो हमारी खताओं पर नहीं रहता, वो दर गुजर फरमाता है, गफूर रहीम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया फजल व करम बेहद एहसान अज़ीम है, जिसे आज एक मरतबा फिर योम सईद सैयद अय्याम हिम्मत मुबारक के इस पाकीज़ा मौका पर हमें मिल बैठने का एक मौका इनायत फरमाया और आज फिर हम उसके फजल से उसके घर में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। मालिक तेरा फजल हुआ हम तेरे घर में मौजूद हैं, वो गिनती के दिन जिनका शुमार करने के लिए तूने हमें हुक्म दिया था वो हमारे हाथ से इस तरह से बिखर गए जैसे रेत के ज़र्रात इंसान के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं, जैसे बर्फ किसी सिर पर पड़ी हो तो धीरे धीरे पानी की तरफ माइल हो जाती है और फिर वो पानी का पानी बन जाती है। उसी तरह से वो गिनती के दिन जो है हमारी ज़िंदगी से गुजर गए, अब न जाने कौन अगले साल इस कायनात में होगा, किस किस के नसीब में वो दिन आएंगे। वो बहार के दिन हमारी ज़िंदगी से एक मरतबा लौट कर अपने रब की बारगाह में चले गए हैं और हमें ये दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वो भाई जो शवाल के चांद के साथ गुम हो गए थे, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें फिर बारे दिखकर अपने घर का रास्ता दिखा दे। आमीन। ऐ बारी इलाह तेरी बारगाह में फरियाद दस है कि हमारे वो जितने नमाजी भाई थे जो आज कल नज़र नहीं आ रहे उनको फिर से दोबारा से और भाई मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मैं दुआ दे रहा हूँ आपको ना, सबको दुआ दे रहा हूँ कि या अल्लाह पाक वो फिर से आए, वो बहारे फिर से लौट कर आए और हम कहें कि वो किसी ने कहा था कि काश ये अच्छा हुआ कि उम्र फारूक एक ही आया मुसलमानों के पास, अगर एक और उम्र आ जाता तो कायनात में कोई गैर मुस्लिम न बचता। और जिस दिन जुम्मा की तादाद के मुताबिक फजर की नमाज में मुसलमानों के नमाजी हो गए मस्जिद में तो उस दिन इंकलाब आ जाएगा,
पूरी कायनात में इस्लाम का बोलबाला होगा और इंशाल्लाह 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 ताला अज़्ज़ा वजल वो वक्त जरूर आएगा, हम होंगे नहीं होंगे हमारी नस्लें देखेंगी वो बहारें और अल्लाह के हुजूर हम दुआ को आए कि अल्लाह करे वो जल्द हमारी जिंदगी में वो वक्त आए कि हम भी वो बहारें देख सकें। आज जुमतुल मुबारक का पुरसरत मौका है और आप सब अहबाब जो हैं अल्लाह की रहमत के साए में उसके घर में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिदों को अपना घर करा दिया है और फिर अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिद से मोहब्बत करता है मैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता हूँ। जो मस्जिद से मोहब्बत करता है बोलते हैं जो अल्लाह से अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो मस्जिद से मोहब्बत करता है। आप तो मस्जिद से मोहब्बत करने वाले हैं तो मस्जिद में बैठने वाले जरा बोलते जाए जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और एक हदीस शरीफ में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो मस्जिद से बहुत करीब है, मस्जिद का बहुत अदब करता है, मस्जिद की खिदमत करता है, सफाई करता है, सुथराई करता है, दरिया बिछाता है, कालीन बिछाता है, मस्जिद में बहाने बहाने से आता जाता है तो उसके ईमान की शहादत दे दो। उसके ईमान की आपका उसके साथ ताल्लुक है नहीं है, कोई वास्ता है नहीं है, अगर कोई ऐसा मौका आ जाए उसकी शहादत देने का तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि उसकी उसके ईमान की गवाही दे दो कि ये तो हर पांच वक्त में अल्लाह के घर आता है, अल्लाह के घर की सफाई सुथराई का इंतजाम करता है, देखता है, कोई मामला है तो उसको वो अच्छे तरीके से जो है सर अंजाम देता है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन महशर के मैदान में अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज लगेगी, एक सदा बुलंद होगी और इरशाद होगा कि मेरे पड़ोसी कहाँ है। अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा नमाजी अहबाब, जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक सदा लगाएंगे महशर के मैदान के में कि मेरे पड़ोसी किधर हैं। फरिश्ते दरियाफ्त करेंगे या अल्लाह पाक तुम्हारे भी कोई पड़ोसी हैं और वो कौन से हैं हम तो नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे वो जो मस्जिद में बहाने बहाने से आते थे, मस्जिद के करीब रहते थे, मस्जिद पे बार बार आते थे, आके मस्जिद के कामों को देखते थे, मस्जिद से मोहब्बत करते थे, जो मस्जिद से मोहब्बत करते थे मैं उससे मोहब्बत करता था वो मेरे पड़ोसी हैं। सुभानअल्लाह, वो कितने खुशबख्त लोग हैं कि जो अल्लाह के पड़ोसी हैं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो चंद लोगों के लिए जब हम यहाँ आए हैं तो अल्लाह की बातें सुने। अल्लाह इरशाद फरमा रहे मेरे पड़ोसी कहाँ है और पड़ोसी जो है अपनी बातों में अगर लग गए तो फिर तो वक्त गुजर जाएगा, फरिश्ते आपको कैसे अल्लाह के पास पेश करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदा लगाई कहाँ है मेरे पड़ोसी। अल्लाह कहाँ है मेरे पड़ोसी, फरिश्तों ने दरियाफ्त किया या अल्लाह पाक हम तो नहीं जानते कि आपके पड़ोसी कौन रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वही जो मेरे घर में मेरी मस्जिद में आते थे और आकर कोई अजान देता था, कोई नमाज पढ़ाता था, कोई नमाज पढ़ने के लिए आता था, कोई सफाई के लिए आता था, कोई किसी बहाने से आता था, वो सब मेरे पड़ोसी हैं, उनको मेरे अर्श के साए के नीचे ले आओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह। और उसके अंगेज अल्लाह ताला किसी कौम की हलाकत का और उनको अजाब देने का जब फैसला करता है तो वो उस कौम का फैसला करता है, उस बस्ती का फैसला करता है जो अपनी मसाजिद से दरगुजर करते हैं, जो अपनी मसाजिद में नहीं आते। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें चले किसी बहाने से आ रहे हैं तो जो बिल्कुल नहीं आते उनके साथ मामला क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिदों को आबाद करने वालों को मेरे अर्श के साए के नीचे ले आओ, वो मेरे पड़ोसी हैं और अल्लाह ताला उस कौम को हलाकत और अजाब देने का फैसला फरमा लेते हैं जो कौम किसी बस्ती की हलाकत का अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाता है कि इस इलाके के लोगों को, इस कौम को, इस बस्ती के लोगों को हलाक करना है कि गुनाहों की बदअमालियों की वजह से ये मेरी मसाजिद की तरफ नहीं आते। अब अल्लाह जब नजर दौड़ाता है तो उनमें कुछ ऐसे लोग नजर आ जाते हैं उस बस्ती में, उस इलाके में कि जो मस्जिद में तवातर से आते हैं। मिनहैसुल कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर लिया होता है कि इसको बस्ती को मरियामेट कर देना है, इसको गर्क कर देना है,
अब जब वो नजर दौड़ाता है तो कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आते हैं जो मस्जिद में हम वक्त आते जाते रहते हैं, कोई सफाई सुथराई करते हैं, कोई अजान पढ़ता है, कोई इंतजार में है कि नमाजी आ गए तो फिर जमात करवाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है फरिश्तों वापस लौट आओ। अभी मेरे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, मेरे पड़ोसी मौजूद हैं कि उनकी वजह से मुझे इनको माफ करना पड़ रहा है। वो कितना गफूर रहीम है, वो कितना गफूर रहीम है। और ये जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर हुआ, बैतुल्लाह शरीफ तामीर हुआ तो उस वक्त भी बड़े बड़े लोगों ने उसकी आबादी में भी किरदार अदा किया, और फिर अलियाज़ुबिल्लाह कई लोगों ने उसकी बर्बादी के लिए, उसकी वीरानी के लिए भी मामला किए। यमन का एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, अब्रहा उसका नाम था। कुरान पाक में सूरह फील आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, उसने देखा कि सारी कायनात जो है वो चल चल के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जा रही है, वो यमन की तरफ नहीं आ रहा। तो उसने उसको देखा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ में, एक कलीसा तैयार करवाया। कलीसा तैयार करवाने के बाद उसने पूरी दुनिया में ऐलान किया कि भाई लोग तुम जिस मकसद के लिए वहां जाते हो, अब मैंने यमन में वैसा ही एक इबादत खाना बना दिया है, तुम वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आना शुरू करो। अब अरब के लोगों को ये बात नागवार गुजरी, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, उन्होंने फैसला किया कि अब ये तो बड़ा मामला गलत है, अल्लाह की बारगाह में भी दुआएं की, मगर सिर्फ दुआओं से अल्लाह मानता तो फिर जो है वो बात हर बंदा घर में बैठ के दुआएं कर लेता, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अब उनमें कोई एक ऐसा दीवाना था कि उसने क्या किया कि वहां जाके कलीसा के दरमियान कहीं गंदगी फैला दी। अब उसको तो बहाना चाहिए था अब्रहा को, उसने कहा कि एक फौज तैयार की बहुत कसीर तादाद में और हाथियों पर उनको असले से लेस करके वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ से जो है हमलावर हो गया। अब कुरान में इशारत फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के जब वो वहां से चले और उन्होंने हमला किया, अब हमला करने के लिए जैसे ही वो बैतुल्लाह शरीफ मक्का तुल मुकर्रमा के करीब पहुंचे तो उस वक्त सरदारा ने मक्का में जो सबसे बड़े सरदार थे वो तेरे और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जाकर उनसे बात की कि अब्रहा अल्लाह को याद कर, उसके गजब को मत छेड़। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब अब तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो अल्लाह की जो है मुझे लांतन कर रहा है। अब उसके बंदों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जान के ऊंट जो थे वो छीन लिए थे। आपने बड़ी कोशिश की समझाने की, जब वो ना समझा तो कहा कि अच्छा ठीक है अब्रहा ऐसा करो कि तुम मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, जैसा तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब मैं तो ये समझ रहा था कि तुम सिर्फ बैतुल्लाह के लिए आए थे मेरे पास और तुम तो तुम्हें तो अपने ऊंटों की पड़ी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं और तारीखी जुमला कहा, कहा ऊंट मेरे हैं, मेरा मामला है, तुम मेरे ऊंट वापस करो, और बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, जिसका घर है वो जाने और तू जाने, आ देख तमाशा क्या लगता है। अब ये कह के आपने अपनी कौम को इकट्ठा किया, देखे ये तकवा होता है, ये ईमान होता है। आपने अपनी कौम को इकट्ठा किया और कहा कि आ जाओ भाइयों, पहाड़ पर चले गए, पहाड़ों की चोटियों पर चले गए, कहा अल्लाह का अजाब इन पर नाजिल होगा। कौन कह रहे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान। अभी रुक जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान इरशाद फरमा रहे हैं कि आओ पहाड़ की चोटी पर चलते हैं, और सब के सब जो है पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, जब जैसे ही वो बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ने एक फौज भेजी, बिल्कुल छोटी सी मखलूक जिसे अबाबील कहा जाता है, सूरह फील में पढ़े अबाबील। उनके हाथों उनकी चोंचियों में गुठलियां नुमा कैंकर थे, वो जो गोली से ज्यादा तोप से ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने उन हाथियों वालों को नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। यानी जो अल्लाह के घर की खिदमत करता है अल्लाह उसे अपना पड़ोस नसीब फरमाता है, और जो अल्लाह के घर से बुग्ज रखता है किसी भी तरह से तो अल्लाह फिर उसको तबाह बर्बाद कर देता है।
और कभी ये गुमान मत कीजिएगा, ये जो जलजले आते हैं, अहदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वो जिस फरिश्ते की ड्यूटी होती है कि आप इस बस्ती को मलिया मेट कर दो, तो वो फरिश्ता अर्ज करता है, अल्लाह एक ऐसा बंदा है उस बस्ती में जो दिन रात 24 घंटे अपने घर के अंदर रहता है और तेरी इबादत के सिवा उसको कोई काम ही नहीं है, तेरी इबादत के सिवा उसको कोई काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि सारे का सारा जो है शहर इसके ऊपर दे दो, इसको गर्क कर दो। इसको मैंने इसलिए कहा था, इसलिए सारा कुछ बताया था, इसको इसकी मैंने तरबियत इसलिए की थी कि ये अंदर छुप कर जो है बैठ जाए, अपने इर्द गिर्द मखलूक के खुदा का ख्याल ना रखे, मसाजिद में क्या हो रहा है वो ना देखे, हालात क्या है। प्यारे भाइयों, मैंने अर्ज किया जो अल्लाह के घर से ऐसा जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उसे अपना पड़ोसी कहता है। कल महशर के मैदान में अर्श के साए के नीचे वो अल्लाह के करीब होंगे, कौन होंगे बोले जरा, यार आप नमाजी हैं बोले जरा, आपकी बात कर रहा हूँ, अल्लाह के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ, वो जो घरों में सो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह की रहमत के करीब है, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको वो नेस्त नाबूद कर देता है, वो जो अल्लाह के घर से बुग्ज रखते हैं, अगर अल्लाह के घर पे कर्ज आ जाए उसकी मदद ना करें। तो आज ये राजा साहब और जफर भाई, जहीर भाई, जितने भी अहबाब हैं इंतजामिया की, आपके पास आएंगे, इस घर पे अल्लाह के घर पे $5,00,000 कर्ज है, ये हमने ही उतारना है, अब फरिश्ते नहीं आएंगे, अब हमने ही उतारना है, कोशिश करें इसको जल्द अज जल्द उतर जाए, अल्लाह के गजब से हम बचे, अल्लाह ने बहुत नवाजा है आपको, थोड़ा थोड़ा करके कतरे कतरे से दरिया फिर समंदर बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। शवाल का ये पहला जुम्मा है, कोशिश करें शवाल में, नहीं तो ज़िकात और ज़िलहज तक हमने इसका कर्ज उतारना है। मैंने इरादा कर लिया है कि या अल्लाह पाक अब जैसे भी है, अब जहां जहां से मुझे हदीस मिलेगी, कुरानी आयात मिलेगी, मैंने इस पे गुफ्तगू करते रहना है, चाहे मौजूद जो भी हो इस पे थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू करते रहेंगे, ताकि इस घर से कर्ज जो उतर जाए और हम अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो जाएं और हम भी उस सब में शामिल हो जाएं जिन्हें अल्लाह दे के मुस्कुराता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिन्हें अर्श का साया अल्लाह नसीब करेगा। सुभान अल्लाह। जिनके पास कैश नहीं है वो मशीन भी है क्रेडिट वाली, आप उस पे भी हिस्सा डाल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है, एक बंदा उसका ताल्लुक है, मेरे पीछे जो लोग खड़े किए थे, मेरी बात जो है वो दरमियान में रह गई, बड़े हैं मैं सब चीज क्योंकि छोटा हूँ, आवाज में भी कम हूँ, तो मेरी बात को रद्द कर दिया जाता है। मैंने खड़ा इसलिए किया था कि आप लोग मुआशरे में रहते हैं, आपका ताल्लुक है, वास्ता है, अपने दोस्त साहब आपसे रिक्वेस्ट करें कि यार जिस इलाके में हम रहते हैं उस मस्जिद पर कर्ज है, आप भले खिदमत ना करें, कर्ज हंसना दे दें, लोगों ने बैंकों में भी पैसे रखे हैं ना, तो अगर कर्ज हंसना दे दें, इस मस्जिद का कर्ज उतर जाए तो थोड़े थोड़े करके वापस आपको लौटा देंगे। और फिर ये कर्ज आपने किसको देना है, अल्लाह की लाज को, तो अल्लाह तो बेहतर जो है वो अता करने वाला है, उससे ज्यादा प्रॉपर कोई भी नहीं देता। वो एक मरतबा कहत आ गया ना मदीनतुल मुनव्वरा में, तो हजरत उस्मान गनी बिन नुरैन रजी अल्लाह तआला ने बाहर से गल्ला मंगवाया, तो जब वो गल्ला मंगवाया तो ताजर आए, उन्होंने कहा जी 10% ले लो, इतने परसेंट ले लो, इतने परसेंट ले लो, तो आपने कहा नहीं मुझे तो इससे भी ज्यादा मिल रहा है, इससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो जैसे ही वो गल्ला मदीना को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा, आपने गरीब गुरबा में वो तकसीम कर दिया। उसने कहा उस्मान, ताजरों ने कहा उस्मान तुमने बड़ा घाटे का सौदा किया, कहा अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे कैलकुलेटर में फर्क है, जितना प्रॉफिट मुझे मेरा रब अता करेगा वो तो कोई अता कर ही नहीं सकता। जुम्मे के दिन 70% जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अता करता है, आम दिनों में 10 दुनिया 70 आदत होता है, जुम्मे वाले दिन 70% इसका सवाब अता करता है। लिहाजा आप जो है ना अपनी विसात के मुताबिक बल्कि विसात से बढ़ कर दें, ये तो अल्लाह का फैसला है कि 10 दुनिया कुछ नहीं देनी है ना, 10% देना है, तो जुम्मे वाले दिन आप देंगे तो 70% है, तो इसमें घाटे का सौदा नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जल्दी जल्दी जो ना मेहरबानी फरमाए, और इरादा कर लें कि अपने दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से अर्ज करें। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो $1,000 जो है वो ना दे सके, तो $1,000 500 लोग ही है ना, तो वो आप ताल्लुक वाले होंगे,
उनसे जाके रिक्वेस्ट करें अगर कहीं जरूरत मेरी हो, अंकल इकबाल की हो, जहीर भाई की हो, राजा साहब की हो, फारूक भाई, जितने भी हम हैं इंतजामिया में, हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये मुझे किसी ने कहा नहीं है, मगर मेरे रब ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि और इंशाल्लाह रहमान इस कर्ज को हमने उतार के रहना है। हाथ खड़ा करें जो जो इसमें शामिल होगा, हाथ खड़ा करें। एक दो तीन चार पाँच छह, ये जरा आपने देखे खड़े होते हैं, पांच छह लोगों में हाथ उठाए, यानी वो अल्लाह के रहमत के साए में सिर्फ पांच सात लोग ही आएंगे। हाथ किसे उठाए? इरादा तो करें यार, इरादा करें, इसका भी अजर मिलेगा। आप एक पत्थर को उठाकर साइड पे कर देते ना, उसकी भी नेकी मिलती है, उसकी भी नेकी मिलती है। आप इरादा कर लें कि इस साल में हाजी करूंगा, खुदा ना ख्वासा आप हाज पे ना जा सके, स्वाब आपको मिलेगा, स्वाब आपको। तो यार आप इरादा करें उसका, तो स्वाब लेना। हाथ उठाएं फिर से, आप सारे हाथ उठाएं, देखें दाएं बाएं जिसका नीचे है उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर दें, उसको नेकी तो दे दें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग, सुन्नत अदा करें।